दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट ब्रह्म कमल के बारे में बात करूंगी। इसको एपिफाइलम कैक्टस भी कहते हैं। ये प्लांट सैकुलेंट फैमिली का है और ये आपके घर में इसको लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये जो प्लांट है इसको लीफ से लगाया जाता है और इसमें फ्लावरिंग रात के समय होती है, दिन के समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अधिकांश कमल जो होते हैं वो पानी में लगते हैं, पर ये ऐसा कमल है जो मिट्टी में लगता है। इस प्लांट पर जो फ्लावर खिलते हैं वो सिर्फ एक रात को ही टिकते हैं। वो फ्लावर जो हैं 7 से 8 बजे से शुरू होते हैं और रात को 12 बजे फुल ब्लूमिंग पर होते हैं। और इसकी उसके बाद जब सुबह उजाला हो जाता है, सनलाइट आ जाती है, तब ये प्लांट की जो कलियां हो जाती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो एक प्लांट जो फ्लावर की लाइफ होती है सिर्फ एक रात की होती है। इसमें ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय फूल है और इसको हिमाचल में धुधा फूल कहते हैं और कश्मीर में इसको गलगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब इसकी कलियां बंद हो जाती हैं वो इस तरह से दिखाई देती हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आज आपको कि इस प्लांट को जब आप गमले में लगाते हैं तो इसको कैसी मिट्टी देना है, कैसी सनलाइट देना है और किस तरह से पानी देना है और इसकी प्रोपगेशन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी। साथ ही जो इसमें ब्लूमिंग होगी वो ब्लूमिंग भी आपको मैं आज दिखाऊँगी। इसकी ब्लूमिंग को देखना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस प्लांट की प्रोपोगेशन से ही शुरुआत करती हूँ कि इसको आप कैसी मिट्टी लगाएंगे, कैसे पानी देंगे और किस सनलाइट में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोपोगेट करने के लिए इस प्लांट की स्टेम नहीं होती है, इसको लीफ से प्रोपोगेट किया जाता है। तो ये देखिए, मेरे सामने एक हेल्दी लीफ है। इसकी जो लीफ लेंगे वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये प्लांट जो है इसमें स्टेम नहीं होती है, लीफ इसकी जब इधर उधर बहुत टकराती है, हवा चलती है तो वो डैमेज हो जाती हैं। पर आप जब कोई नया प्लांट प्रोपोगेट करें तो उसके लिए एक हेल्दी लीफ लें। मैंने आपको ये किस देखिए, इस लीफ के जो नीचे का पॉइंट वाला हिस्सा था उसको आपने मिट्टी पर लगा देना है। अब मैं बताती हूँ इसके लिए कैसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप जब प्लांट को ग्रो करें तो उसके लिए सैंड और मिट्टी ही मिलाएं, उसमें कंपोस्ट ना मिलाएं। जब इसके अंदर रूट्स आ जाएंगी उसके बाद आप इसे किसी बड़े पॉट में लगाइएगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत साल तक आपके पास रहता है और इसको हर साल रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। तो इसको जो है आप किसी बड़े पॉट में लगा के जब इसमें रूट्स आ जाएंगी उसके बाद। तो दोस्तों, ये देखिए जो ये प्लांट है, मैं आपको इसमें कुछ चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटा सा है, ये पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से इसमें नई लीव्स निकलेंगी। तो इसकी जो आगे ग्रोथ होगी वो लीफ के द्वारा ही होगी, इसमें स्टेम नहीं आएंगी। ये देखिए, इसमें आपको ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इन्हीं में से ही लीव्स निकलती हैं और इन्हीं नोड्स में से ही फ्लावर भी निकलते हैं। एक लीफ में 5 से 10 फ्लावर भी निकल सकते हैं। वो कभी कभी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोल्ड भी चाहिए थोड़ा सा और इसमें ह्यूमिडिटी ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो गर्म हवाएँ चलेंगी, वहाँ पर ये प्लांट में फ्लावरिंग मुश्किल है। दोस्तों, ये सैकुलेंट फैमिली का प्लांट है तो इसके लिए पानी आप जो है इसकी मिट्टी को देख कर दें। सर्दियों में तो इसको वीक में सिर्फ एक बार ही पानी दें तब भी चल जाएगा, पर गर्मियों में इसमें अगर फ्लावरिंग आपके प्लांट में हो रही है तो इसमें रोज़ पानी दीजिएगा। इसको दिखा नीचे वाले। दोस्तों, ये प्लांट पहाड़ों का प्लांट है तो इसको जो है आप ठंडा क्लाइमेट दीजिएगा, यानी कि इसको दोपहर की जो 12 बजे की समय की धूप पड़ती है, तेज़ धूप, उससे बचाइएगा। और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए इसको कई प्लांट के साथ रखिएगा। हवा के प्रेशर से इस प्लांट में क्या होता है कि हवा चलती है, इसमें कोई स्टेम है नहीं तो इसकी पत्तियाँ बहुत डैमेज हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है। और इसमें ऐसे तो कोई कीड़े नहीं लगते हैं, पर जैसे आजकल समर जो चल रहा है इसमें छोटे छोटे कीड़े आ जा रहे हैं, उनसे ये पत्ते उन पत्तों को खा जाते हैं। और इसके लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा। इस प्लांट में रात के समय ब्लूमिंग होगी। अब मैं आपको वो ब्लूमिंग दिखाऊंगी। दोस्तों, ये देखिए, ब्रह्म कमल ब्लूम होने लग गया है। अभी इसमें फुल ब्लूमिंग नहीं हुई है, फुल ब्लूमिंग इसमें मिड नाइट में होगी। इसमें रात में खिलने के कारण इसको क्वीन ऑफ मिड नाइट और क्वीन ऑफ नाइट भी कहा जाता है।
इसकी जो इसमें से सेंट निकलती है और इसकी आध्यात्मिक वैल्यू के कारण इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है और विशेषकर इसकी सुंदरता के कारण उत्तराखंड में इसको राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। पहाड़ों में जो ब्रह्म कमल मिलता है वो इससे अलग होता है, पर वो भी ब्रह्म कमल होता है और ये भी ब्रह्म कमल कहलाता है। ब्रह्म कमल के पुष्प को अगर आप ब्रह्मा जी के मंदिर में कहीं पर हो वहाँ चढ़ाया जाता है और इसमें इस शिव जी के मंदिर में भी इसको चढ़ाया जाता है। पहाड़ों में जहाँ पर ये ब्रह्म कमल बहुत होते हैं वहाँ पर लोग अपने दरवाज़ों पर इसकी माला बनाकर भी लगाते हैं। कहा जाता है कि इसकी माला को घर के द्वार पर लगाने पर नेगेटिव वाइब्रेशन घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। लीप से तैयार होने वाले इस प्लांट में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कई जगहों पर छोटे छोटे से ये जो आ रहे हैं इसी में नई नई बड्स तैयार हो सकती हैं। तो मेरा ये इसमें फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हुई है, हो सकता है कि मेरे और भी बड्स बने और भी फ्लावरिंग हो। इस प्लांट की अगर हम अच्छी केयर करते हैं तो पॉट में भी ये काफ़ी हाइट ले लेता है। इस फ्लावर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब पूरी रात में जब 12 बजेंगे तब तक ये पूरा खिल जाएगा और सुबह होने तक, जब सुबह होगी ये बंद हो जाएगा। तो आप भी इस फ्लावर को देख लीजिए। रात के 12 बजे तो मैं इसको सूट नहीं कर पाऊँगी, मैंने सोचा मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, आपको ब्रह्म कमल के फ्लावर को दिखाने के लिए मैं रात तक इस समय तक रुकी हुई हूँ। तो आप मेरे इस फ्लावर की ब्यूटी को एंजॉय करें और अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपका इस संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो उसकी क्वेरी को मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।